हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। तो अभी मेरे हस्बैंड लंच कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए मैं उनके पास बैठी हूँ। और जब वो लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो मैं उनके पास बैठती हूँ। तो अभी वो उनको लंच करा दूँगी, फिर उसके बाद मुझे झाड़ू पोछा करना है। मैंने सुबह पोछा नहीं लगाया था, तो इस टाइम मैं पोछा ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि एक टाइम मुझे लगाना है, चाहे मैं सुबह लगाऊं या शाम को। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लंच कर लें, फिर उसके बाद झाड़ू करूंगी, पोछा करूंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पोछा लगा चुकी हूँ, अब मैं आ गई हूँ आंगन में। आंगन में ही बर्तन धुलूँगी। तो अभी मैंने मोटर भी स्टार्ट कर दिया है, टंकी में पानी नहीं है इसलिए मोटर चला रखी हूँ। और अब मैं बर्तन को धुलूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी फ्रेंड्स। और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी अभी रखे हुए हैं, उसे भी डालना है सूखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा काम मैंने समेट लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े भी निकाल लिए हैं मशीन से। अब उसे डालने जाना है ऊपर, और मैं पानी का बोतल, मतलब पानी अब मैं फ्रिज में लगाऊंगी, क्योंकि अब ठंडे पानी पीने का मन होता है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। तो कल से मैं पानी रख रही हूँ फ्रिज में। तो पानी फ्रिज में रखने के बाद फिर जाऊँगी ऊपर, कपड़े डालूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पानी भर लूं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूं थोड़ी देर में।
अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैंने दोपहर का रूटीन शेयर किया, लंच किया, देखा ही आप लोगों ने, अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, वो लंच कर रहे थे। आज मैंने लंच में बनाया दाल चावल रोटी भाजी। आज मैंने दो भाजी बनाया था, एक हरे प्याज की और एक बैंगन की। तो हरा प्याज में जब कट कर रही थी तो ये देखिए मेरी उंगली भी कट गई, ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये देखिए दिखा, देखिए उंगली भी कट गई थी और बर्तन भी धुली तो बहुत दिक्कत हो रहा था। पोछा भी मैंने सुबह नहीं लगाया था, इस टाइम मैंने पोछा लगाया। तो अभी तो सारा काम हो चुका, कपड़ा भी मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर देखती हूँ क्या करना है शाम को। तो अभी तो सारा काम हो चुका है, घर एकदम से क्लीन हो चुकी है। मन को बहुत ही शांति मिलती है जब घर एकदम से साफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो देखिए बच्चों की अभी मस्ती भी चल रही है, आ जाओ, आओ, नहीं आ रहा है। तो अभी बच्चों की मस्ती भी चल रही है, तो चलिए अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलूंगी शाम को, और थोड़े बातें करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। और हस्बैंड जी का मैंने चोरी से निकाला हुआ है, जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें तो पता भी नहीं है कि मेरा वीडियो बन रहा है। तो चलिए देखती हूँ, वीडियो डालती हूँ, फिर उनका क्या रिएक्शन होगा। अभी तो चुपके से मैंने वीडियो बना के डाला है, तो आप लोगों से वो तो वैसे ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे शर्म आ रही है, वो भी जेंट्स होके उन्हें शर्म आ रही है कैमरे के सामने। देखती हूँ कब तक नहीं आएंगे, चोरी चोरी ही कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं और मैं ऊपर आ चुकी हूँ, जोत को जला के मैं आई हूँ, और सोचा थोड़ा ऊपर जाऊँ, और बहुत मन रहा हो रहा था ऊपर आने। ये देखिए मैं अभी हाँफ रही हूँ, दो जीना चढ़ के आई हूँ, सबसे ऊपर वाले टेरिस पे हूँ। तो ये देखिए मेरे पीछे पेड़ है, कितनी सुंदर लग रही है, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो अभी तो हमारे यहाँ का खेत खलिहान पीला पीला हो चुका है, क्योंकि रबी की फसल एकदम से तैयार हो चुकी है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखाऊं किस तरीके से है। पहले आप लोग ढलते सूरज को देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स सूरज ढल चुकी है। और आप लोगों को पता नहीं क्यों यहाँ अंधियारा सा नहीं दिख रहा है, यहाँ तो बहुत अंधियार अंधियार सा हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस पीला पीला आप लोगों को दिखेगा, इस टाइम तो पीला पीला दिखेगा, और कभी कभी हरा हरा दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है पीला हरा। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, फिर ये पेड़ के पीछे भी खेत है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ गेहूँ की कटाई हो रही है और दवाई भी चालू हो चुकी है, तो आप लोगों ने देखा उधर जो धुआं धुआं सा आप लोगों को दिख रहा है, मेरे पीछे देखिए धुआं धुआं सा दिख रहा है, उधर दवाई चल रही है गेहूं की, और उस साइड भी दवाई चल रही है, आपको दिखा दूं। आपको जहां मतलब मेरे पीछे धुआं धुआं सा दिख रहा होगा वो देखिए, उधर भी दवाई चल रही है गेहूं की, तो उधर भी धुआं धुआं सा है, और पता नहीं ऐसा महक आ रहा है कि अब नीचे जाने को मन कर रहा है, क्योंकि इसकी महक मुझे नहीं अच्छी लगती है, ऐसा लगता है गले में खराश सी हो रही है। तो
तो चारों तरफ धुआं धुआं आप लोगों को दिख रहा है। दवाई हमारे यहाँ चालू हो चुकी है, कटाई दवाई। तो अभी तो सब लोगों को मैं छत पर ही देख रही हूँ, सब लोग लॉकडाउन में छत पर ही रहते हैं। आपको दिखा दूँ, वो देखिए मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए पीछे बैठ करके सब लूडो खेल रहे हैं। ऐसे बहुत से छतों पे मैं देख रही हूँ जो सब लोग ऊपर बैठे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आज मैं अपने हस्बैंड से सब्जी बनवाऊंगी, तो वो क्लिप मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो चलिए, अभी तो उन्हें बताऊंगी नहीं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। चोरी से मैं उनके हाथों की सब्जी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखती हूँ रिक्स है, बना पाती हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जरूर दिखाऊं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था फ्रेंड्स। दीपांश, आज मेरा बेटा मेरे वीडियो का एंड करेगा, तो चलिए दीपांश से बुलवा लेती हूँ अपने बारे में कुछ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा आ चुका है। हेलो करो सबसे, हेलो, और मेरे बारे में कुछ बोल दो। आपकी मम्मा कैसी है बता दो। अच्छा चलिए, फिर वीडियो का एंड कर दीजिए, चलो बाय बाय। और मम्मा का चैनल के बारे में कुछ बोल दो, मेरे मम्मा का चैनल सब्सक्राइब कर लो या नहीं। तो चलिए बस इतना ही, तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। खुश रहिए, अपने घरों में रहिए, हैप्पी रहिए। और हाँ, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए। लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, लाइक जरूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू।